हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, जो हमारी 1000 प्रश्नों की विज्ञान की सीरीज चल रही है, उसका ये 14वां वीडियो है। इस वीडियो में मैंने 151 नंबर प्रश्न से लेकर के 160 नंबर प्रश्न तक बताया है, मतलब इसमें टोटल 10 प्रश्न है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और ये जो विज्ञान के प्रश्न है वो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का 151 नंबर प्रश्न है, परिवर्तित धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, मतलब कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो रेक्टिफायर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 152 नंबर प्रश्न है, विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है तो इसका कारण है, तो एक विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित इसलिए किया जाता है कि यदि शॉर्ट सर्किट होती है तो उसकी धारा जो है वो भूमि में चली जाए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 153 नंबर प्रश्न है, विभांतर का मात्रक होता है, आपके चार ऑप्शन दिए हुए एम्पियर, वोल्ट, कूलम्ब और ओम, तो विभांतर का मात्रक जो है वो वोल्ट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 154 नंबर क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, आपके ऑप्शन चार दिए हुए, शून्य और एक से कम और अनंत, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर में अनंत प्रतिरोध होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 155 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, ऑप्शन आपके चार दिए हुए, एम्पियर, कूलम्ब और हेनरी और ओम, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 156 नंबर क्वेश्चन है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, तो किस क्रम में लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, मिश्रित क्रम में लगे होते हैं, या समांतर क्रम में लगे होते हैं, या किसी भी क्रम में लगे होते हैं, तो घरों में लगे पंखे और बल्ब जो है वो समांतर क्रम में लगे होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगला प्रश्न है, 157 नंबर प्रश्न है, किसी चालक के सिरों के बीच विभांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है, तो यह नियम जो है वो ओम का नियम है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 158 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 159 नंबर प्रश्न है, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाएँ तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा, तो 3 ओम और 6 ओम को प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध जो होगा वो 2 ओम होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 160 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो एक शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू।